ऑर्गेनिक तरीके से रखे खुद के साथ किचन के बर्तनों और बाथरूम के टॉयलेट का ख्याल। अकासा लेकर आया है ऑर्गेनिक हैंड वॉश, शैम्पू, टॉयलेट क्लीनर के साथ ढेर सारे प्रोडक्ट जो करे आपका और आपके घर का कंप्लीट केयर। प्रेमिका से मिली बेवफाई तो युवक ने चाय की दुकान खोल ली। दुकान का नाम रखा बेवफा चाय वाला। मामला रोहतास जिले का है। नेशनल हाईवे पर तराचंडी मंदिर के पास आप जाएंगे तो बेवफा चाय दुकान आपको मिल जाएगी। दिल पर चोट लगने के बाद इस दुकान का नाम रखा गया है। यहाँ दिलजलो यानी प्यार में धोखा खाए लोगों के लिए एक कप चाय की कीमत 10 रुपये है, तो वहीं प्रेमी जोड़ों के लिए 15 रुपये में 2 कप है। अब तक तो पूरी कहानी आपको समझ आ गई होगी। चाय दुकान चलाने वाले युवक का नाम है श्रीकांत। प्यार में धोखा मिलने के बाद जिंदगी चाय दुकान पर आ गई है। श्रीकांत ने कहा कि वो अपनी प्रेमिका से बहुत प्यार करता था, लेकिन वे दोनों एक नहीं हो सके। कारण ये था कि जब वक्त पर साथ निभाने की बात आई तो श्रीकांत की प्रेमिका ने उसका साथ छोड़ दिया। धोखा मिलने के बाद उसने चाय की दुकान खोल दी और नाम रखा बेवफा चाय वाला। श्रीकांत का बेवफा चाय काउंटर लोगों को आकर्षित कर रहा है। यहाँ प्रेमी जोड़ों के लिए 15 रुपये में 2 कप चाय की व्यवस्था है, तो वहीं प्यार में धोखा खाने वालों के लिए 10 रुपये प्रति कप चाय है। पिछले 2 सालों से अपनी दगाबाज प्रेमिका के प्यार में दर दर भटकने के बाद इस चाय की दुकान पर श्रीकांत को मंजिल मिली और आज हाईवे पर जिंदगी अच्छी खासी चल रही है। जो भी इधर से गुजरता है वो यहाँ की चाय पीकर जाता है। श्रीकांत ने कहा कि उसकी चाय दुकान पर खासकर युवाओं और कपल्स की भीड़ लगती है। कई लोग तो दुकान का नाम सुनकर ही पहुंच जाते हैं और चाय पीते हैं। श्रीकांत ने कहा कि अगर किसी ने प्यार में धोखा खाया है तो उनकी दुकान पर चाय पीते समय लोगों को उन्हें अपनी प्रेमिका की याद जरूर आती होगी। गाँव तक बिहार की रिपोर्ट।